ये पहली बार का मिलना भी कितना पागल कर देता है, कुछ कुछ होता है सांसों में पर ना जाने क्यों होता है। हो बीआईबी विजेंदर सिंह जी हैं, जो इंडस्ट्री में, भोजपुरी इंडस्ट्री में काफी उनका नाम है, और उन्होंने मुझे बुलवाया कि दादाजी आप पटना आइए। मुझे बहुत खुशी मिली कि ऐसे महान हस्ती मुझे आज भोजपुरी इंडस्ट्री में सपोर्ट मिल रहा है, बिहार में सपोर्ट मिल रहा है। हम अपने प्यार की ये बारिश उन पे बरसाने वाले हैं, कल्याण बिछाना राहों में हम दिल को बिछाने वाले हैं। मैंने अपने आप को जीवन में संगीत में समर्पित कर दिया था, और मैं नहीं जानता था कि मैं कुछ मुकाम हासिल कर पाऊंगा, केवल मैं समर्पित था। लेकिन कहते हैं कि जिस पे आप समर्पित हो जाइए ना, तो कुछ ना कुछ, वो देर है तो अंधेर नहीं है उसके यहाँ। तो आज वो चीज मिला, भगवान के रूप में इतने सारे दर्शक मिले। मैं अपना नामकरण खुद किया था। कब किया? करीबन 1.5 साल हो गए। क्या सोचकर? मैं एक कॉमेडी मैन था, गाना नहीं गाता। हाँ, तो मेरा एक यूट्यूब चैनल पे ढोलू दादा के नाम, ढोलू दादा कॉमेडी के नाम से एक चैनल है, उसमें मैं कॉमेडी किया करता था। ऐसा है ना, एक कोई मेरे दिल की रानी थी जो मुझे भी चाहती थी। अब नहीं चाहती है? हाँ, नहीं, अब नहीं चाहती। याद तुझे करते करते मैं भूल चुका हूँ अपना नाम। याद तुझे करते रहते हैं और कोई ना दूजा का। याद तुझे करते करते मैं भूल चुका हूँ अपना नाम। याद तुझे करते रहते हैं और कोई ना दूजा का। 20 साल के बूढ़े हैं आप। हाँ, मेरे अंदर वो चीज, वो फीलिंग अभी तक दबी रह गई। अच्छा, वही मैं जो गाना गाता हूँ ना, तो उसी फीलिंग के साथ में गाता हूँ आज 20 साल के जैसे। वो लोगों को कहीं ना कहीं छू जाता है। ये मेरा लकी कपड़ा है। लकी कपड़ा है। इसको मैं रोज पहनता हूँ। ये मैंने शाम को छाट के झुरवा देता हूँ, धो धा के, सुबह में फिर से वही फटोफट पहन के तैयार हो जाता है। ये करीबन मैं आज 20 साल से यही मैं पहनता हूँ। नमस्कार, मेरा नाम शुभम कृष्णा है। देखिये, झुलुर बाबा सोशल मीडिया के सेंसेशन कहे जाते हैं। इनका वीडियो इतना ज्यादा वायरल हो जाता है, इंस्टा पे रील्स वायरल होने लगता है, लोग जानने के लिए उत्सुक हो जाते हैं कि आखिर कौन है झुलुर बाबा। कुछ लोग झुलुर दादा भी कहते हैं। आइए मिलवाते हैं झुलुर दादा का। बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप? एकदम फाइन। अच्छा, वो कौन सा गाना था जिस गाने को यूट्यूब पे डालते ही वायरल हो जाता है, इंस्टा पे रील्स बनने लगता है? गाना वही था, उदित नारायण जी ने गाया था। और क्योंकि हमारे बहुत बड़े, मतलब कि सिंगर में सबसे ज्यादा मेरे, मैं उनको जानता हूँ, उन्हीं का गाना गाए, पहली बार का मिलना। चलिए थोड़ा सा गा कर सुनाइए दर्शकों को माइक के साथ। क्या बात है, फिर से सुना देता हूँ। आज मैं एक बार उन लोगों का नाम लेना चाहूंगा जिनके वजह से आज मैं पटना में आया और आपसे रूबरू हुआ, बहुत अच्छा लगा। बीआईबी विजेंदर सिंह जी हैं, जो इंडस्ट्री में, भोजपुरी इंडस्ट्री में काफी उनका नाम है, और उन्होंने मुझे बुलवाया कि दादाजी आप पटना आइए। मुझे बहुत खुशी मिली कि ऐसे महान हस्ती मुझे आज भोजपुरी इंडस्ट्री में सपोर्ट मिल रहा है। बिहार में सपोर्ट मिल रहा है, बिहार में काफी अच्छा सपोर्ट है, पटना में आए हुए हैं। तो मैं प्रणाम करना चाहूंगा पटना वासियों को, और प्रणाम करना चाहूंगा इस पटना की पावन धरती को। और जो हमारा संपर्क करवाने का बहुत बड़ा योगदान है गंगा न्यूज चैनल वाले का,
उन्होंने हमें बीआरबी विजेंद्र सिंह से मिलवाया और भैया अभी एक गाना कर रहे हैं हमारा जो आकांक्षा म्यूजिक एक यूट्यूब चैनल है उस पे मेरा गाना जल्द ही आने वाला है और सभी को नमन वंदन कहते हुए एक बार पटना धरती पे नमन प्रणाम करते हुए मैं वो गीत सुनाना चाहता हूँ जो लोगों के बीच में लोकप्रिय हो रहा है। क्या बात है। हम अपने प्यार की ये बारिश उन पे बरसाने वाले हैं। कलियाना बिछाना राहों में हम दिल को बिछाने वाले हैं। लेकिन जो वायरल हुआ था मैं वो कॉमेडी में गा रहा था, मतलब हम लोग कॉमेडी करने बैठे थे तो मुझे पता भी नहीं था मैं इतना लोकप्रिय हो जाऊंगा लोगों के बीच में। जैसे वायरल हुए थे कॉमेडी में वही वाला गाया। वही वाला ना। ये पहली बार का मिला भी कितना पागल कर देता है। ये पहली बार का मिला भी कितना पागल कर देता है। कुछ कुछ होता है सांसों में पर ना जाने क्यों होता है। हो हम अपने प्यार की ये बारिश। हमारे जितने भी पटना के दर्शक हैं उनसे कहना चाहूंगा कि हम अपने प्यार की ये बारिश इन पे बरसाने वाले हैं। कलियाना बिछाना राहों में हम दिल को बिछाने वाले हैं। अच्छा, कैसे वायरल हो गए? आपको लगा था कि इतना वायरल हो जाएंगे? नहीं पता था। एक्चुअली ऐसा है कि मैंने अपने आप को जीवन में संगीत में समर्पित कर दिया था और मैं नहीं जानता था कि मैं कुछ मुकाम हासिल कर पाऊंगा। केवल मैं समर्पित था। लेकिन कहते हैं कि जिस पे आप समर्पित हो जाइए ना तो कुछ ना कुछ वो देर है तो अंधेर नहीं है उसके यहाँ। तो आज वो चीज मिला, भगवान के रूप में इतने सारे दर्शक मिले। पूरी मैं कमेंट में देखता हूँ तो पूरा इंडिया क्या पूरा हमारा विदेशों से भी कमेंट आते हैं, दुबई, पाकिस्तान, नेपाल, और वीडियो कॉल भी आते हैं। तो बड़ा अच्छा लगता है मुझे ये सब देखकर सुनकर। तो यही कहना है हमारा कि आज बुढ़ापे में भी मैं लोग मुझे चाहने लगे तो मेरा जीवन सार्थक हुआ। मैं बहुत बहुत नमन वंदन करना चाहूंगा आपके न्यूज चैनल के माध्यम से एक बार। क्या जनता जंक्शन आप पटना से, आपके श्रोताओं को मैं बहुत बहुत नमन वंदन करना चाहूंगा जो आपके न्यूज चैनल के माध्यम से दादा को आप लोग देख पा रहे हैं। अच्छा, आपका नाम जो है झुलुर दादा, कौन रखा नाम? मेरा? मैं अपना नामकरण खुद किया था। कब किया? करीबन 1.5 साल हो गए। क्या सोचकर? मैं एक कॉमेडी मैन था, गाना नहीं गाता। हाँ, तो मेरा एक यूट्यूब चैनल पे झुलुर दादा के नाम, झुलुर दादा कॉमेडी के नाम से एक चैनल है, उसपे मैं कॉमेडी किया करता था। तो लेकिन कलाकारों के बीच में मैं बैठ के ऐसे ही मैं अफरा तफरी किया करता था, मस्का लगाना, लोगों को गवाना। तो बीच में मैंने भी गा दिया तो मुझे नहीं मालूम था इतना लोग पसंद करने लगेंगे। कहीं सीखे हो कभी? मैं तो बचपन से ही संगीत से प्रेम है। मैं बचपन से सरगम वगैरह हारमोनियम पे करता आ रहा हूँ। ये कपड़ा उपरा एकदम गर्मी में भी पूरा ये सब पहने हुए हैं। वो ऐसा है ना जैसे बुढ़ापे बेड़े में ठंडी लगता। अच्छा। हाँ,
कान में लू वगैरह घुस जाता है ना। अच्छा। तो करेजवा में थोड़ा मेरे को दिक्कत होता है। हाँ, ऐसा प्रॉब्लम होने लगता है। सुने ये कपड़ा आप भारत से बाहर से मंगवाते हैं? मैं ये तो मैंने जर्मन से मंगवाया था। जर्मन से मंगवाया था? हाँ। कितने में? तो पहले तो सस्ता था ना। हाँ, ये मेरा लकी कपड़ा है। लकी कपड़ा है? इसको मैं रोज पहनता हूँ। ये मैंने शाम को छाट के झुरवा देता हूँ, धो ढा के, सुबह में फिर से वही फटोफट पहन के तैयार हो जाता है। ये करीबन मैं आज 20 साल से यही मैं पहन रहा हूँ। 20 साल से यही पहनते? यही पहनता हूँ। ऐसा क्या खास बात है इस कपड़े में? है ना, खास बात है। ये मेरे को गिफ्ट में मंगवाई थी वो। अब जाने दीजिए, अब आप पोल खोलेंगे मेरी। कौन मंगवाई थी बताइए जरा। अरे बता दीजिए, दर्शक आपके भगवान है, इनसे क्या छिपाना। अब आप खोट खाट के निकाल ही लेंगे ना, ना, ऐसा है ना, एक कोई मेरे दिल की रानी थी जो मुझे भी चाहती थी। अब नहीं चाहती है? हाँ, नहीं, अब नहीं चाहती। क्यों नहीं चाहती? तो बूढ़ा हो गया, वो अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। तो वो कौन सा जवान हो गई होगी? नहीं, चाहने को तो प्रेम तो अमर है, वो भी कहीं ना कहीं चाह रही होगी। हाँ, तो प्रेम तो अमर होता है। शादी वादी हो गया आपका? हाँ, मेरी शादी हो गई है, बुढ़िया है घर पे। अच्छा। हाँ, आपकी एज क्या हो रही है? मेरी एज, एज के बारे में पता भी ठिकाना भी नहीं है। फिर भी मैंने उसी दिन का मेरा याद है जब मैं 20 साल का था। अच्छा। तो मैं अपने आप को आज तक मैं 20 साल का ही समझ रहा हूँ। 20 साल से बड़े ही नहीं? हाँ, 20 साल के बूढ़े हैं आप। हाँ, मेरे अंदर वो चीज, वो फीलिंग अभी तक दबी रह गई। अच्छा। वही मैं जो गाना गाता हूँ ना, तो उसी फीलिंग के साथ में गाता हूँ आज 20 साल के जैसे। तो वो लोगों को कहीं ना कहीं छू जाता है। हाँ, मेरे अंदर जो दर्द है उसको मैंने दबा के रखा है, कंप्रेशर लगा दिया है। अच्छा। अपनी उम्र को मैंने बढ़ने ही नहीं दिया, शरीर तो बूढ़ी हो गई। कहते हैं कि भावनाओं, शरीर में क्या रखा है, भावनाओं को समझो। मन जवान ही है? हाँ, मन जवान है। तो मन जवान है तो किसी जवान लड़की को देखते होंगे तो दिल अभी भी धक धक करता होगा। होता है लेकिन अब ज्यादा मत खुदवाइए। हाँ, लोग बोलेंगे कि कितने कमेंट में ऐसे आते हैं कि बुढ़वा बड़ा अभी भी। हाँ, आप ऐसा दिखाएंगे ना तो और न्यूज चैनल वाले आके खुदाई करने लगेंगे उसका। कि इस बुढ़ापे में भी तू एक्स कर रहे हैं। तो अच्छा, इसकी कोई उम्र भी होती है क्या? नहीं होती है। लेकिन लोग मुझे खिजाने के लिए मेरे को डिस्टर्ब करते हैं। अच्छा, ये चश्मा कहाँ से मंगवाए हैं? ये चश्मा, ये भी जर्मन का। ये भी जर्मन का? हाँ। ये कितने का है? तो ये पहले के समय में लिया था जब 12 आने में आता था। 12 आने में आता था? हाँ। स्टाइलिश है कि पावर वाला है? नहीं, स्टाइलिश है। स्टाइलिश है। हाँ, पहले के हीरो लोग ऐसा पहनते थे। अच्छा। तो मैंने ले लिया था। अच्छा। वायरल होने के बाद और पहले की जिंदगी में क्या कुछ अंतर आया है? मेरी जिंदगी में? पहले मेरी जिंदगी में मीठा मीठा गम था, लेकिन आज मेरी जिंदगी में खुशबू है। हाँ। मैं जहां पे जाता हूँ मैंने अपने दर्शकों की खुशबू का एहसास करता हूँ, आज मुझे बड़ा अच्छा लगता है। वो समय था अच्छा, वो भी लगता था, लेकिन उसमें मीठा मीठा दर्द रहता था। अभी मेरे को बेटर लग रहा है। बेटर लग रहा है क्योंकि अभी मेरे ढेर सारे चाहने वाले हो गए हैं ना। तो जाहिर सी बात है कि मेरे अंदर जो पॉजिटिव एनर्जी रहती है वो मेरे को बड़ी खुशी देती है। चाहने वाले बढ़ गए तब तो आप और जवान हो गए होंगे। जवान तो वाले हो ही गए। थोड़ा सा जो आपके चाहने वाले हैं उनके लिए एक गाना कोई आप जो उनके लिए डेडिकेट करना चाहे। हाँ, कोई गाना सुनाए। सुनाते हैं, क्या बात है। याद तुझे करते मैं भूल चुका हूँ अपना नाम। याद तुझे कर
करते रहते हैं और कोई ना दूजा का। याद तुझे करते करते मैं भूल चुका हूँ अपना नाम। याद तुझे करते रहते हैं और कोई ना दूजा का। हो हम तुम्हें इतना प्यार करेंगे कि लोग हमें याद करेंगे। यही कहना है अपने दर्शकों से। आज मुझे जनता से प्यार है और मुझे कुछ नहीं दिखता है। मेरे पांव तो अभी तो घर पे नहीं टिकते। मैं ऐसे घूमता रहता हूँ, कहीं पटना कहीं सब आना जाना लगा रहता हूँ। रास्ते में कोई आपके फैन कोई मिले है क्या? फैन नहीं, फैन तो मेरे मेरे को कुत्ते बड़ा डिस्टर्ब करते हैं। कुत्ते? हाँ। एक्चुअली ऐसा है ना, इनको मेरे शकल से बड़ी एलर्जी होती है। अच्छा, भिखारी समझ लेते हैं क्या? हाँ, ये जैसे बंदरों को नहीं भूखते हैं कुत्ते, वैसे मेरे को देख के भूखते हैं। क्या समझते भूखते हैं? तो वो बंदर जैसा कुछ समझते होंगे। अच्छा। उनको लगता होगा ऐसा, कुछ लोग बोलते हैं कि दादा आपकी शक्ल बंदर जैसी है। अच्छा, लोग बोलते हैं क्या? बोलते हैं ऐसा। अच्छा। तो पहले तो मेरे को चिढ़ाती थी कि मेरे को लोग बंदर बोलते हैं, लेकिन अभी मेरे को खुशी होती है कि यही बंदर जैसा मेरा चेहरा लोगों के बीच में लोकप्रिय हुआ है। तो अभी मेरे को अच्छा लगता है, कोई बंदर बोलता है तो मेरे को अच्छा लगता है। हाँ, ये बनावटी चेहरा है ये, आपको भी किसी ने बनाया होगा, अपने आप तो बने नहीं। नहीं, भगवान तो सबको बनाते हैं। कहना है कितनी प्यारी आंख, कितना हसीन चेहरा, कितनी प्यारी आंखें हैं, आंखों से झलकता प्यार। कुदरत ने बनाया होगा फुर्सत से तुझे मेरे यार। तो सबको कुदरत ही बनाता है, मैं कौन होता हूँ कि मैं अपने आप को बना सकता हूँ। अच्छा, भोजपुरी का कोई गाना जो आपको पसंद आता हो, पवन सिंह या खेसारी लाल का कोई गाना? ये गाना मेरे दिल में रहता है। अखियां में कवन जादू, चुरा के तू रख ले बाड़ू, अर नहिया से नहिया के नता, जहिया से पेठले बाड़ू। अखियां में कवन जादू, चुरा के तू रख ले बाड़ू। और कहना क्या है? अरे ओढ़ने के कोरे अपना, अरे चबावे लो दांत से, अरे पागल का दिल है बाड़ू, पहल के मुलाकात से, अरे हम होश में ना ही बानी, अरे जहिया से तू तक ले बाड़ू। अखियां में कवन जादू, चुरा के तू रख ले बाड़ू। अच्छा, अभी बहुत सारे गाने बज रहे हैं, हरी हरी ओढ़नी, पियर फ्राक वाली, ये समय से कोई एक गाना? नहीं, एक्चुअली सनैया लगावल। हाँ, पवन सिंह जी का। सनहिया लगावल बहुत बात नहीं के, सनहिया लगावल बहुत बात नहीं के, अरे लगा के छोड़ावल बहुत बात होला, और समझ न पौनी तोहर असली रादा, अरे रूपावा के जाल में भरा गई निदादा। ऐसा कुछ है, ख्याल नहीं आ रहा। बहुत बढ़िया गाना, अच्छा लगता है मुझे।
लोग इनको कितना भी बुढ़ा कह ले, बुढ़ाऊ कह ले, लेकिन इनकी एनर्जी अभी भी कोई 20 साल से ज्यादा की नहीं लग रही है। बहुत धन्यवाद। इनके बारे में आप क्या कुछ सोचते हैं कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर रखें।